दोस्तों, डेविड वॉर्नर ने नए साल के पहले ही दिन वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। बाएं हाथ के इस अनुभवी बल्लेबाज ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले अपने विदाई टेस्ट मैच से दो दिन पहले यह फैसला सुनाया। 37 साल के वॉर्नर ने वर्ल्ड कप 2023 के दौरान 50 ओवरों के प्रारूप से संन्यास लेने पर विचार किया था। वॉर्नर ने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी कैंडिस और तीन बेटियों आईवी, इस्ला और इंडी को अधिक समय देने की जरूरत है। हालांकि वॉर्नर ने ये भी कहा कि यदि ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शीर्ष क्रम के बल्लेबाज की जरूरत होगी तो वह रिटायरमेंट से वापस आ जाएंगे, जिसकी मेजबानी 2025 में पाकिस्तान को करनी है। वॉर्नर ने खुलासा किया कि ऑस्ट्रेलिया का नवंबर में भारत के खिलाफ विश्व कप फाइनल उनका 50 ओवरों के प्रारूप में आखिरी मैच था। वॉर्नर ने कहा, मैं निश्चित रूप से एक दिवसीय क्रिकेट से भी संन्यास ले रहा हूं। ये कुछ ऐसा था जो मैंने विश्व कप के दौरान कहा था कि भारत में जीत दर्ज करो। ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वॉर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, मुझे पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और अगर मैं 2 साल बाद भी अच्छा क्रिकेट खेलता हूं और उन्हें किसी की जरूरत है तो मैं उपलब्ध रहूंगा। दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक वॉर्नर के नाम पर वनडे विश्व कप के 2 खिताब दर्ज हैं, जिनमें विश्व कप 2023 में भारत के खिलाफ फाइनल की जीत भी शामिल है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर्वाधिक रन बनाए थे।